छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर किसानों की चिंताओं को दूर करने आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि कोरोना वैश्विक महामारी के बीच किसानों के लिए उचित कदम सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए, लेकिन इससे इतर सरकार ने 19 फरवरी को जो टोकन किसानों को जारी किया उसे अब तक नहीं खरीदा गया है, जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अब जब कोरोना के चलते किसान परेशान हैं, तो वहीं धान नहीं खरीदे जाने से किसान दोहरे परेशानियों का सामना भी कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और साथ ही धान खरीदी केंद्रों सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए, ताकि कोरोना के खिलाफ जारी अभियान प्रभावित ना हो सके। ऐसे स्थिति में किसानों पे असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर उन टोकन लेने के बाद भी उनके धान की क्या स्थिति होगी, कि उनका भुगतान होगा नहीं होगा, सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी नहीं खरीदी जाएगी। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में संशय की स्थिति बनी हुई है और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आपने विधानसभा में हाउस में घोषणा की है, किंतु अधिकारियों ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी घोषणा का उन निर्देशों का पालन अधिकारी करें और जो 19 तारीख को जो टोकन जारी किया गया है, ऐसे किसानों की धान की खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे किसानों को कोई आर्थिक नुकसान ना हो, साथ ही उनको लाभ हो सके। जल्द से जल्द ये व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का मैंने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि शासन के द्वारा निर्देश जारी होते ही आप लोग जो संकट में है उस स्थिति से निवारण होगा। नेता प्रतिपक्ष द्वारा सीएम को लिखे पत्र पर सत्ताधारी दल ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 2500 रुपये और धान के समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि किसानों को देने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में किया जा चुका है और यह राशि जल्द ही किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के समय ही यह राशि किसानों को मिल जानी थी, लेकिन इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों को यह राशि देने पर रोक लगाई। त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष से उलट ये प्रश्न पूछा है कि 2014 में जब केंद्र की मोदी सरकार ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस की राशि देने पर रोक लगाई थी, तब कौशिक जी ने पीएम को पत्र क्यों नहीं लिखा? जब 2500 रुपए देने पर केंद्र ने रोक लगाई, तब मोदी जी को किसी भी भाजपा नेता ने पत्र लिखने का साहस क्यों नहीं दिखाया? कोरोना काल में कौशिक द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने को संचार विभाग के अध्यक्ष ने स्तरहीन राजनीति कहा है। धान के 2500 रुपए दाम और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने का प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया जा चुका है और ये राशि किसानों को जल्दी से जल्दी दी जाएगी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही राजनीति बेहद दुखद है, चिंता का विषय है। धरमलाल कौशिक जी यह बताएं कि 2014 में जब मोदी सरकार ने किसानों को बोनस देने में रोक लगाई थी, तब उन्होंने मोदी जी को पत्र क्यों नहीं लिखा था? जब कांग्रेस सरकार ने एक साल 2500 रुपए दाम दिया और दूसरे साल 2500 रुपए देने में मोदी सरकार ने रोक लगाई, तब मोदी जी को कोई पत्र एक भी भाजपा नेता ने क्यों नहीं लिखा? अब किसानों के झूठे हमदर्द बनकर भारतीय जनता पार्टी के नेता धान के अंतर की राशि को लेकर स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, इस कोरोना काल में स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, ये बेहद दुखद है, बेहद निंदनीय है। कोरोना संकट में रोजाना राजनीतिक दांवपेच जारी है, कभी किसानों की बात पर तो कभी श्रमिकों को आधार बनाकर, लेकिन आज की कठिन परिस्थिति में क्या नेताओं की जुगलबंदी अच्छी है? ये तो समय आने पर जनता ही जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।